तो जैसा कि आप सब जानते हैं बरसात का सीजन चल रहा है, लेकिन आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, हल्का हल्का धूप भी है, हल्का हल्का छाँव भी है। तो आज हम लोग सोचा है पंजाब जाने का, और पंजाब जाकर के हम लोग आज का वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि अभी बरसात में वहाँ पानी का लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ गया होगा और देखने में काफ़ी मज़ा भी आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं पंजाब की तरफ, और मेरे साथ जा रहा है हिमांशु। तो हिमांशु एक बाइक चला रहा है और हम पीछे बैठे हुए हैं। अब देखते हैं हम लोग कितने देर में पहुंच पाते हैं पंजाब की तरफ, आप सभी को पंजाब का सीन दिखाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आज फाइनली हम लोग पंजाब के मेन गेट के अंदर आ चुके हैं, और अभी थोड़ा दूर और जाना है, इसके बाद हम लोग को पंजाब वाटरफॉल मिलेगा और नदी में भी पानी भर गया होगा। चलिए देखते हैं क्या क्या हम लोग देख पाते हैं। और हिमांशु काफी दिन बाद आ रहा है यहाँ पे, कैसा लग रहा है बाबू? बहुत मजा आ रहा है। चलिए आपको आगे रोड का सीन दिखाते हैं, देखने में अच्छा लग रहा है। तो गाइस फाइनली हम लोग पंजाब वाटरफॉल में आ चुके हैं, बस दो सीढ़ी उतरे हैं और यहाँ नदी का पानी दिखाई दे रहा है। फॉल देखिए, आप सभी को दिखाते हैं कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ से। बस पिकनिक का सीजन में तो हर कोई आते हैं पंजाब वाटरफॉल, लेकिन बरसात में कभी आकर देखिए, इस तरह का सीन आपको दिखा देगा। और आगे वहाँ फॉल का सीन अभी आपको दिखाना बाकी है, तो हम लोग चलेंगे अभी आगे जहाँ मेन वाटरफॉल है, वहाँ जाकर आप सभी को दिखाएंगे कैसा सीन वहाँ दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस लिटरली हम लोगों को पिकनिक सीजन में, जैसा कि दिसंबर जनवरी में हम लोग पिकनिक आते हैं, उससे अधिक मजा आ रहा है अभी के टाइम में ये वाटरफॉल देख करके। और अभी बस ये शुरुआत है, अभी और भी अच्छा अच्छा सीन दिखाना बाकी आप सभी को, तो वीडियो में बने रहिए। और अब हम लोग जा रहे हैं उस ऊपर टावर में, जहाँ से पंजाब वाटरफॉल का हर एरिया दिखाया जाता है, मतलब कि चारों साइड आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस ऊपर टावर में चलते हैं, इसके बाद यहाँ से हर तरफ का नज़ारा देखते हैं। यहाँ से मैं आप सभी को चारों तरफ का दृश्य अभी दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले ऊपर हम लोग आ जाते हैं, और ऊपर आने के बाद यहाँ से सब तरफ दिखेगा। यहाँ दोस्तों इधर मेरे पीछे दिखाइए, यहाँ का क्या सीन है, क्या नजारा है, वो आप सभी देख सकते हैं यहाँ से। सबसे पहले मेरे दाहिने तरफ यहाँ पर देखिए, नदी का धार आ रहा है जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा है। और इसके बाद मैं आपको लेफ्ट तरफ दिखाता हूँ अपने, कैसा सीन यहाँ से दिखाई दे रहा है। और दोस्तों ये वो वाटरफॉल है, वो स्विमिंग पूल है, जिसमें आप सभी लोग पिकनिक के सीजन में स्नान करते हैं। वो काफ़ी भर चुका है और भरने के बाद ओवरफ्लो भी हो रहा है। यहाँ पर अभी नहाना काफ़ी रिस्की है, तो आप सभी से मैं कहूँगा कि अगर आप अभी के टाइम पे आते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर मत नहाइएगा। बस देखिए, देख करके आप लोग आनंद लीजिए और फोटोग्राफी कीजिए। पानी में जाना नहीं है अभी, क्योंकि बरसात में कहीं भी अधिक गड्ढा हो सकता है, कहीं भी अधिक गहरा हो सकता है, तो ये रिस्क आप लोग बिल्कुल भी मत लीजिएगा। गाइस यहाँ का जो नज़ारा है ना, सॉलिड नज़ारा है यहाँ का, एकदम ऐसा लग रहा है कि बस अभी छलांग लगा दूँ और नहाना शुरू कर दूँ। गहरा अधिक नहीं है, बस देखने में पानी का प्रेशर से लग रहा है कि ज़्यादा गड्ढा है, लेकिन गड्ढा यहाँ पर उतना नहीं है। दोस्तों यहाँ पर अभी बारिश शुरू हो चुका है, और पानी का आवाज़ सुनिए आप लोग, ऐसा आवाज़ है पानी का कि मेरा आवाज़ भी ठीक से आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा,
गाइस ये सीन आपको देखने के लिए शायद ही यहाँ पर मिले इस पद्धाग वाटरफॉल में, जो कि आपको पिकनिक के सीजन में तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे खड़ा हो रहे हैं तो पानी का धार देखिए कितना स्पीड पानी जा रहा है, और आगे जाते हुए देखिए मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, एकदम लास्ट पोर्शन तक पानी दिखाई दे रहा है। और इस चीज को अब मैं सामने से दिखाने की कोशिश करूंगा, हालांकि पानी तेज हो चुका है। गाइस पहले के टाइम पे ये एक साइड का पतला सीढ़ी था और ये टूट भी चुका था, ये साइड में जो देख रहे हैं पकड़ने के लिए ये टूट भी चुका था, बाद में इस साइड का सीढ़ी बना है ऐसा लग रहा है। पहले दो साइड नहीं था, बस एक साइड ही था और वो भी वो पतला वाला। फाइनली हम लोग आ चुके हैं अब स्विमिंग पूल की तरफ, और यहाँ मेन वाटरफॉल सामने से दिखाई देगा। हाँ तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं पद्धाग मेन वाटरफॉल के पास, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, और यहाँ नदी का इतना आवाज़ है कि मेरा आवाज़ थोड़ा सा दब गया होगा या कम आ रहा होगा, आप लोग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन ये मेन वाटरफॉल का सीन आप देख सकते हैं, बरसात के टाइम में सावन का समय है और आज है 10 अगस्त। 10 अगस्त में यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ आप देखिए, और यही वो सीन है, यही वो स्विमिंग पूल है जहाँ पर लोग पिकनिक के टाइम में नहाते हैं और खेलते हैं। इसका अभी बॉर्डर सब दिखाई दे रहा है, वो भी थोड़ा थोड़ा। गाइस फाइनली हम लोगों ने मेन वाटरफॉल देख लिया, और जहाँ लोग नहाते हैं पिकनिक के टाइम में वो भी देख लिया। हर जगह पानी भरा हुआ है, हर जगह बरसात का पानी आ गया है, और पानी का धार दोस्तों इतना ना कि कोई हिम्मत नहीं कर रहा है नीचे जाने का। नीचे देखिए कितने लोग हैं, दिखा देगा नीचे देखिए कितने लोग हैं, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं आगे जाने का। सभी को पता है कि रिस्की जोन है, और वहाँ पोस्टर पर लिखा हुआ है कि खतरनाक स्तर पर सेल्फी लेना मना है, ये रिस्की हो सकता है। तो आप सभी ऐसा गलती का मत कीजिएगा, अगर आप बरसात में आता भी है यहाँ पे तो सेल्फी के चक्कर में पानी में कहीं मत जाइएगा, यह आपके लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है। सो गाइस फाइनली हम लोग पद्धाग वाटरफॉल के हर तरफ घूम चुके हैं, बस पार्क बचा हुआ है। पार्क वैसे अभी खुला भी नहीं होगा क्योंकि वो पिकनिक के टाइम पे खुला रहता है, बच्चे आते हैं तो उस टाइम पे भीड़ रहता है वहाँ पे, तो हम लोग पार्क अभी जाएंगे नहीं। बाकी से हमने देख लिया और आपको दिखा भी दिया, तो अब हम लोग चलते हैं घर की तरफ, और रास्ते में जो भी दिखेगा वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और फिलहाल मैं तुम देख सकते हैं कि और भी कुछ लोग आए हुए हैं दूर दराज से, क्योंकि सभी को पता है कि बरसात में पानी जो है वो बढ़ जाता है, तो पानी देखने के लिए काफ़ी लोग आते हैं। और पिकनिक के टाइम में क्या होता है ना कि पानी बहुत कम रहता है, सब लोगों को वाटरफॉल अच्छे से दिखाई देता नहीं है। तो हम लोग घर चल रहे हैं, और मेरे पीछे फिर से आपको वही सीन दिखाई दे रहा होगा जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था। तो जाते जाते आप सभी को फिर से वही सीन दिखाते हैं, और दोस्तों ये वही सीन है, ये वही पानी है जो वहाँ नीचे जा करके मेन वाटरफॉल में गिरता है, स्विमिंग पूल के पास में गिरता है। तो गाइस अब फिर से धूप हो चुका है, पानी ख़त्म हो चुका है, पानी बस 5 मिनट ले आया और परेशान करके गया था, लेकिन अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब पानी के बाद जो धूप हो रहा है तो गर्मी बहुत लग रहा है,
चलिए अब हम लोग घर की तरफ चलते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा आपको वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे पहली बार देख रहे हैं चैनल पर बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे अच्छे अच्छे ब्लॉग दिखाई दे सके और इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सबसे पहले हमारे वीडियो को आप वॉच कर सके। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।